बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेकर आई हूँ चिकन बाइट की रेसिपी। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो देख लें। चिकन लिया मैंने 1 किलो, बोनलेस सराचा चिली सॉस लिया मैंने 6 टेबल स्पून भर के, केचप लिया 6 टेबल स्पून भर के, सोया सॉस लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, इसमें मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को कट कर लिया। काली मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, शहद जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें जाएंगी 1 टेबल स्पून। अगर आप बच्चों के लंच के लिए बना रहे हैं तो आप कुटी लाल मिर्च स्किप कर दीजिएगा, ना डालिएगा, ठीक है। ऑयल जाएगा फ्राई के लिए और सफ़ेद तिल जाएंगे गार्निश के लिए। ये देखें इसमें सिराचा चिली सॉस, केचप, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, शहद और मस्टर्ड पेस्ट सारा कुछ डाल के मैं अच्छी तरह मेरीनेट करके इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखें 1 से 1.5 घंटा हो गया है, अच्छी सी मैरिनेट हो गई है चिकन। ये मैंने 6 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा लिया है, 6 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इनको दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसमें जो मैंने मैरिनेट की हुई चिकन है उसको डालते जाएंगे एक एक बोटी उठा के, और इसमें अच्छी तरह कोट करके इसमें, और फिर हम फ्राई करेंगे। तेल मैंने गर्म करने रख दिया था दरमियानी आँच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे ना करिएगा, फ़ौरन जल जाएंगी चिकन और गलेगी भी नहीं। उसमें अच्छी तरह मैदा वगैरह का जो कोट कर रहे हैं हम अच्छी तरह झड़का के फिर डालिएगा इसमें, ठीक है। अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुटी लाल मिर्च स्किप कर दीजिएगा, वो ना डालिएगा। ये देखें अच्छा गोल्डन फ्राई कलर करके इसको निकाल लेंगे हम। आप इस तरह भी खा सकते हैं, बच्चों को इसी तरह भी दे सकते हैं। ये देखें सारे में इसी तरह जितनी भी चिकन है सारी फ्राई कर लूँगी इस तरह गोल्डन फ्राई। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, आप भी बनाइएगा। ये देखें कलर देखें, इस तरह भी आप खा सकते हैं। और मैं अभी एक और तरीका बताती हूँ आपको। ये देखें जो मैरिनेशन का जो सामान बचा था ना, ये जो बचा है मैरिनेट का चिकन जो बनाई थी हमने, उसका मसाला जो बचा हुआ है मैंने थोड़ी सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी इसको अच्छी तरह से। उसी मसाले को फेंकेंगे नहीं, ज़ाया नहीं करेंगे इसको हम। इसको अच्छी तरह पका के हम कच्चापन इसका दूर हो जाए सारी चीज़ों का, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह दरमियानी आँच पे पकाएंगे इसको थोड़े से ऑयल में। ये देखें पक गया है, 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें हमने चिकन फ्राई की थी वो सारी मैं इसमें डाल दूंगी, कोट कर दूंगी इसमें। आप चाहें तो इसी तरह भी खा सकते हैं, आपके ऊपर है, देख लीजिएगा आपको जैसे पसंद हो। अच्छी तरह मिक्स करके इस पर मैं सफ़ेद तिल डाल दूंगी गार्निश के लिए, ठीक है। आप भी बनाइएगा, मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कैसे बने, कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी क्या करें, ठीक है। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।